आज हमारा ओटी और ओटी हमारा होता है 2 बजे तक और अभी मैं ऑलरेडी लेट हूँ। देखते हैं क्या बनता है। ये है हमारा ऑपरेशन थिएटर्स की एंट्रेंस। ये है हमारा ऑपरेशन थिएटर वाला एरिया। पेशेंट्स आ रहे हैं ऑपरेशन के लिए। ये है हमारा सर्जन ऑफिस। रफीक को लेने आना है मैंने। पीछे आ रहा है हमारा पेशेंट, हम इनको लेकर आए हैं, लेके जाना है ओटी में और वहाँ से इनका प्रोसीजर शुरू होगा। और ये है ओटी नंबर 5। ये हमारी फार्मेसी है। फार्मेसिस्ट जाके मास्क ले लेते हैं। मैं नहीं पहना हुआ, मेरी बेइज्जती हो जाती है, तो इससे बेहतर है कि हम लोग मास्क ले लें जाके। मास्क हो गया हमें। कैमरे में देखिए, हाथ हिला दें। कैमरे में देखिए, हाथ हिला दें। और ये हमारा पेशेंट था गॉल स्टोन्स वाला। इसकी लेप्रोस्कोपिक कोरिसिस्टेक्टमी हो रही थी। सब लोग सर्जन्स खड़े हुए थे और मेरा तुक्का लग गया, मैंने वीडियो बना ली। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ ये जो स्टोन्स पड़े हुए हैं जी। रियलिटी में ये स्टोन्स ऐसे होते हैं, आप देखो तो अजीब से बंदे को महसूस होता है कि मेरे मतलब इंसान के अंदर इस तरह के पत्थर पड़े हुए होते हैं। इसे कहते हैं कैमरे वाला ऑपरेशन। कैमराज इंसर्ट करके तो देखा जाता है अंदर से। इसकी कोई इंसिजन नहीं दी जाती, बाहर से कोई इतने बड़े कट्स नहीं लगते, 2-3 जगह कट्स लगते हैं और कैमराज के थ्रू ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। एक एक दो 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 टांके लगते हैं बस। ये हाल होता है हमारा स्टब्स पहन के। और अभी मैं स्पेशल ओपी से पल्स ऑफ से नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पल्स ऑफ नहीं था। अभी जो केस होने लगे वो होने लगी बायलेटरल एम्पुटेशन। बच्ची 8-9 साल की, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। इतनी बुरी हालत हो गई है इसकी, तो अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बुरी हालत है उसकी कि उसके उसके पेट पे सारा वो जला हुआ है। टांगे जली हुई है, बाजू दोनों जले हैं। अब बाजू उसके पीछे शोल्डर से लेके यहाँ से यहाँ तक सारा काटना पड़ेगा और दूसरे बाजू का भी यही हाल है, शायद दोनों काटने पड़े। क्या ज़िंदगी हो जाएगी इस बच्ची की। अच्छा ये ना छोटी सी वायर है आपके सामने। मोस्टली लोग सोचते हैं टांग या बाजू काटने के लिए कि आरी वगैरह इस तरह की चीज़ इस्तेमाल होती है, नहीं, इसे कहते हैं गिगली सॉ। इससे बाजू की डी या टांग की हड्डी जो भी होती है वो इससे कटती है। और अब जो हमें मिल गई है टीमएस की ब्रेक। टीमएस में वाहिद सिर्फ एक ही चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर होती है, वरना सब कुछ बकवास होता। फाइनली लिस्ट ख़त्म हो गई है। ये पेशेंट आखिरी जो है, जो मैं अभी करवा के निकली हूँ, ये शिफ्ट हो रहा है और अभी चल रहे हैं। मसी मसी जी, हम लोग फ्री हुए हैं। मसी फ्री हुए हैं क्योंकि इतने सारे केसेस थे। गायने में 12 केस हो तो बंदा मरने वाला हो जाता था। खैर यहाँ पे भी मैं वो कोई तो नहीं हूँ, ईजी तो नहीं हूँ, थक तो गई हूँ, लेकिन चलो एटलीस्ट यहाँ पे केसेस लिस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती। 2 बजे तक हमने 12 केस कर लिए हैं, 12 केस ख़त्म हुए हैं। और गायने में तो बहुत टाइम लग जाता था, लाइट नहीं आती, गायने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अच्छा वक्त गुजरा है। गायने ने बड़ा कुछ सिखाया है। और अब मेरे अंकल आने वाले हैं और हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला घर। और ये बन रही है हमारी न्यू ईयर। बेड्स देखें आप लोग कितने प्यारे लेके आए हैं इस दफ़ा। और कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। बाइट से आप लोगों को दिखाती हूँ न्यू ईयर कैसी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है, मतलब फुल इन्होंने फॉरेन स्टाइल में बनाई है। और मैं फिरते फिराते फिर से आ गई हूँ डॉक्टर्स हॉस्टल में, क्योंकि उधर से निकली हूँ तो मेरे अंकल नहीं आए थे और अंकल ने आना 2 बजे, 2 तो बज गए हैं, लेकिन अंकल ने उससे भी लेट करना होता है हमेशा, तो लेट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे घूमूंगी फिरूंगी। आप लोगों को पता है आज मैंने जो केसेस करवाए, और मेनली सिनाज हमारी ओटी लिस्ट थी, तो उसमें सारे वो होते हैं ऑपरेशन जो पेशेंट्स वाइटली स्टेबल हों और उनका ना कोई सीनियर आके ना करे, मतलब मोस्ट सीनियर जो होते हैं वो आके करें ना। तो हमारे अब आए हुए थे, HOD भी आए हुए थे, SRs भी सारे थे।
तो आज एक पेशेंट थी, 10 साल की बच्ची थी, बाहर खेल रही थी, करंट लगा उसको, इतना गंदा करंट लगा कि उसका ना बेचारी, मैं आपको वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों को दिखाऊंगी, उसका मतलब उसके लिम्स दोनों बाजू उसके जल गए, इतने ज़्यादा कि उसके ना अंदर जो हम एक्जिला होता है ना वो भी जला हुआ था। तो उसकी एम्पूटेशन ही थी, और अब उसका ये हुआ कि वो 10 साल की बच्ची का एक बाजू तो पूरा कंधे के साथ, मतलब वो पूरा उतार दिया कंधे के साथ से, और एक बाजू उसका हाफ उतार दिया, और पाँव उसके चलो फिर भी बच गए हैं, अदरवाइज उसकी कमर से भी सारी जली हुई है। पता नहीं बेचारी बच्ची का क्या फ्यूचर होगा, 10 साल की तो बच्ची है, क्या ज़िंदगी है उसकी, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे। और बाकी तो वो थे ना, स्टोन्स वाले थे, गॉल ब्लैडर स्टोन्स वाले, और एक डायबिटिक फुट वाला था, उसकी भी एम्पूटेशन हो गई, उसका भी पाँव कट गया बेचारे का, बेचारा था बेचारी थी, वो मेरे वाले इसमें नहीं ना हुआ। और एक बाबा जी थे, कैंसर की वजह से उनकी जो है वो इसोफेगस सारी ब्लॉक हुई हुई थी, और उसमें उनको ट्रिकोस्टोमी भी उनकी हुई हुई थी, और साथ में ना उनका अब जो है वो गैस्ट्रोटमी कर दी है। पेनफुल चीज़ें होती है। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा, बाय।